हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आप लोग की अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम अभी लेकर आ रहे हैं 100 मोस्ट MCQ क्वेश्चन, जो कि इसका ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम दो पार्ट किए हुए हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो का अगर आप लोग को PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF इसका उपलब्ध है। तो देखते हैं दोस्तों, 201 क्वेश्चन से अभी तक हमने पार्ट 1 और 2 देख लिया है, अब पार्ट थर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राही, मोडी और नागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राही। ब्राही लिपि को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसप को जाता है और उन्होंने ही सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। ऑप्शन है सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल और मौर्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु काल। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को चित्राकार लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन है 8, 12, 18, 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18। जैन सूत्र के लेखक भद्र बाहु थे। जैन सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन है 19, 27, 64 और 89। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी और ब्राही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राही। और सबसे पहले ब्राही लिपि को जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। ऑप्शन है तेलुगु, बांग्ला, मराठी और तमिल। तो तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। प्रथम नंबर पे आता है हिंदी। प्रथम नंबर पे आता है कौन, हिंदी। दूसरा पर है बांग्ला और तीसरे नंबर पे तेलुगु। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी। ऑप्शन है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। चोल शासक मुख्य रूप से तमिलनाडु में अपना उनका शासन चलता था और तमिलनाडु की भाषा है। और तमिल भाषा के में ऐसा माना जाता है कि अगस्त ऋषि को भगवान शिव ने तमिल भाषा की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत
लगभग कितना है? ऑप्शन है 50%, 40%, 45% और 55%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 40%। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भारत में 40% है और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ऑप्शन है मलयालम, तमिल, तेलुगु और बांग्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला। भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरे नंबर पे बांग्ला आती है और तीसरे नंबर पे तेलुगु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन है कोंकणी, गुजराती, मराठी और पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा देवभाषा है? ऑप्शन है हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत और पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्राचीन भाषा कौन है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, पाली और प्राकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। और संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा भी कहा जाता है और संस्कृत देव भाषा भी है। और कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे इजी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, USA, फ्रांस और भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी और उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है और मैसूर में किसकी राजधानी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1988 ईस्वी, 1999 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू जो कि बागमती नदी के किनारे स्थित है और काठमांडू में ही एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसका नाम है पशुपतिनाथ, जिसका नाम क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ऑप्शन है पहली, सातवीं, छठी और चौथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन जो कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1982, 1985, 1987 और 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और यह भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ हैं? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है और हैदराबाद और सिकंदराबाद को संयुक्त रूप से जुड़वा शहर भी कहा जाता है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच, इधर हैदराबाद है और इधर सिकंदराबाद है, और इसके बीच में एक झील है जिसको हुसैन सागर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंतनगर, देहरादून, लखनऊ और इज्जत नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज्जत नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रांची, धनबाद, जमशेदपुर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, जो कि धनबाद झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। वारेन हेस्टिंग्स ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनको 1913 ईस्वी में उनके प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत के जन गण मन राष्ट्रीय गान जो है उसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला के भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन है 1911 में, 1917 में, 1920 में और 1922 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। और 1917 में ही भारत के पर 1917 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ऑप्शन है उर्दू, अरबी, तुर्की और फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। रेख्ता किसको कहा गया है? उर्दू। लेकिन मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत पे मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन है तमिल, मलयालम, तेलुगु और बंगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगला। बंगला पश्चिम बंगाल की एक राजकीय भाषा भी है। ऐसे ये बांग्लादेश में और नेपाल में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार पूछा जा चुका है कि देश के एकमात्र कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड में एक हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन है म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है। तो इसका ऑप्शन है हिंदी, बांग्ला, मलयालम और नागा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन पहले यह एक राज्य था। जम्मू कश्मीर एक राज्य जब था तो उसके बाद ये दो भागों में बट गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है लेह। जम्मू और कश्मीर में 21 जिले हैं और लद्दाख में सिर्फ दो जिले हैं, एक लद्दाख और दूसरा कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शन के प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। ऑप्शन है शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन, प्रतिमा पुरी और सलमा सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा पुरी। और प्रतिमा पुरी ने 1959 ईस्वी में दूरदर्शन पर प्रथम समाचार वाचिका दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 1980, 1972, 1975 और 1981। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। ऑप्शन है भारत, फ्रांस, जापान और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू होता है, ये हिंदी में है, पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू होता है तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। ऑप्शन है 011, 022, 033 और 044। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 022। 011 दिल्ली का है, 011 दिल्ली का है और 033 कोलकाता का है और 044 चेन्नई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ऑप्शन है दादू, तुलसीदास, रामानंद और कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। रामानंद जो कि कबीर के गुरु थे। रामानंद कौन थे? कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1880 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1884 ईस्वी और 1907 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1880 ईस्वी। 1880 ईस्वी में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। ऑप्शन है 1859 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1882 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी।
1854 ईस्वी में भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में जब रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, उस समय भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन है भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई और बस्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण लगभग 3500 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, और देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, साथ ही साथ देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है और देहरादून में पेट्रोलियम शोध संस्थान भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान स्थित ज्वार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, लोहा और ए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। जस्ता यानी कि जिंक, जेड एन। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुड़ल किस भाषा में है? ऑप्शन है ग्रीक, पाली, तेलुगु और तमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल। कुड़ल किस भाषा में है? तमिल। तमिल तमिलनाडु की एक राजकीय भाषा है और कहा जाता है कि तमिल भाषा की सबसे पहले शिक्षा भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अधिकारवादी सरकार और राष्ट्रपति सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय सरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनवाड ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन है पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण और महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, अनवाड ए सुहेली कहलाता है। सूरसागर के लेखक सूरदास है, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन है इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरवेज, जेट एयरवेज और एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन है कोच्चि, गुवाहाटी, मोपा और हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। कोच्चि केरल में स्थित है और कोच्चि एक बंदरगाह भी है जो कि भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? ऑप्शन है सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और एलायंस एयर। इसका राइट आंसर हो जाएगी एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शेरशाह। यहां शेरशाह सूरी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत के कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था और शेरशाह ने ही
हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध और 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में परास्त करके दिल्ली की गद्दी पे अपनी सत्ता स्थापित की और उसी समय उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इस चारों को आपस में जोड़ने का काम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पे? ऑप्शन है ग्वालियर, सागर, भोपाल और झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का नया नाम क्या है? ऑप्शन है 4, 47 का बी, 44 और 2। NH-7 का नया नाम NH-44 है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और NH-44 में 7 हाईवे को जोड़ दिया गया है। ये नहीं कि NH-7 का नाम भी NH-44 किया गया है, लेकिन ये जो 7 हाईवे है इसमें NH-7, 1A, ऐसे करके 7 हाईवे को NH-44 में जोड़ दिया गया है। और ये कितने हाईवे को जोड़ करके बनाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार 2020 के CGL एग्जाम्स में कि NH-44 जो बना है वो कितने हाईवे को आपस में जोड़ करके बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा और कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन है जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में थोड़ा भी वायु प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली में दानों का औसत प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 50, 65, 70 और 85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बाघ संरक्षण स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन है रणथंभौर, भरतपुर, सरिस्का और सिमलीपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमलीपाल। सिमलीपाल बाघ संरक्षण क्षेत्र भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है त्रिकुट, धवलगिरी, गौरी शंकर और सागरमाथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 8850 मीटर भी दिया हुआ रहता है। और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है कोसी नदी के, गोदावरी नदी के, बागमती नदी के और नारायणी नदी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागमती नदी के। बागमती नदी नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर के गुजरती है और वहीं पे भगवान शिव का एक मंदिर है जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे?
ऑप्शन है पंडवानी, पंथी नृत्य, डोकरा नृत्य और धनकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंथी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? ऑप्शन है शास्त्रीय वादन संगीत, सूफी गज़ल और शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी और शास्त्रीय नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन है शोभना नारायण, पंडित युवराज, एम एस सुबालक्ष्मी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एस सुबालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ऑप्शन है ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और आगरा घराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? ऑप्शन है किराना घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना और आगरा घराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? ऑप्शन है मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना और ग्वालियर घराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और ग्वालियर में ही झांसी की रानी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं? ऑप्शन है बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक और ओडिसी नर्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायक की ध्रुपद शैली का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तानसेन और मानसिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानसिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रितु वर्मा का संबंध है? ऑप्शन है शास्त्रीय गायन से, गजल संगीत से, पंडवानी शैली से और कर्नाटक शैली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडवानी शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकल जैक्सन संबंधित है? ऑप्शन है बैले नृत्य से, पियानो वादन से, जॉर्ज गायन से और पॉप संगीत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉप संगीत से। पॉप संगीत से माइकल जैक्सन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ और अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? ऑप्शन है सितार, सरोद, शहनाई और ताबला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? ऑप्शन है गीता चंद्रन, स्वप्नम सुंदरी, गगुबाई हंगला और लीला सैम्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गगुबाई हंगला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन है मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला और संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आईपना, कोल्लभ, रंगोली और अल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध
मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से और जयपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से और पश्चिमी क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास एवं संकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है पातर, भवाई, नट और भांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आल्हा महोबा, कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज और रसिया बरसाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरहा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है नकल, बिहार, अंकियाना, असम, तमाशा, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकियानाट, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चाचरी, चैती, बीहू और घूमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैती। जो बीहू है वो असम से संबंधित है, असम, और घूमर जो है वो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं? ऑप्शन है लौकिक, लोक गायक, लोक नर्तक और लोगों के साथ नाचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन है घूमर, डांडिया, गरबा और कथकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली। कथकली लोक नृत्य नहीं है, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छपेली लोक नृत्य संबंधित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, लेकिन अब उसकी दूसरी राजधानी भी एक बन गई है जिसका नाम है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 289। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है दांडिया, कुचिपुड़ी, बांस नृत्य और विदेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? ऑप्शन है वोडाफोन, BSNL, आइडिया सेलुलर और भारतीय एयरटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BSNL। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड और BSNL की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से लीप वर्ष है? ऑप्शन है 1998, 1994, 1876 और 1758। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1876। लीप वर्ष उसको कहते हैं जिसमें फरवरी महीना 28 से बढ़कर 29 दिन का हो जाता है, उसी को लीप वर्ष कहते हैं और यह प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है पी अस्तरहलर, पिंक, वी लाल और ए जी टेंसले। तो इकोसिस्टम का प्रयोग ए जी टेंसले ने किया था, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भेदभाव न करना, स्त्रियों के प्रति उदासीनता,
जेंडर संवेदनशीलता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? ऑप्शन है कोलकाता, रेवा, जलगांव और भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवा। रेवा एक जगह है जो कि एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉपी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है सब सहारन अफ्रीका, यूरोप और हवाई आइलैंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवाई आइलैंड्स। और हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु और हवाई द्वीप समूह अमेरिका के 50 राज्यों में से एक राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब शास्त्र व्यापार संधि आर्म्स्ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई? ऑप्शन है दिसंबर 2014, फरवरी 2015, जनवरी 2015 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2014। 24 दिसंबर 2014 को आर्म्स्ट्रेड ट्रीटी यूएनओ के द्वारा अस्तित्व में लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, के आर नारायणन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के आर नारायणन। के आर नारायणन को भारत रत्न नहीं दिया गया था और भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनको भारत रत्न 2015 ईस्वी में मिला था और उसी वर्ष मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? ऑप्शन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ऑप्शन है टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी, ई गवर्नेंस और महिला सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। तो इसका राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये हम पार्ट बहुत आगे तक ले जाएंगे, जिससे क्या होगा आपको कि पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और मेरा टारगेट है कि आप लोग को कम से कम 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू दिया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।